नंबर दस टेंशन उसकी एक वजह और आखिरी चीज है इंशाल्लाह क्या है नौकरी और जॉब वगैरह में जिम्मेदारियां अदा करने में टेंशन काम का लोड इतना है इतना है कि यानी क्या करूं समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल सुकून हैरान हो गया है कंपनी में काम इतना है दुकान पे लोड इतना काम का है और जॉब का लोड इतना है बाजत जिंदगी में लोड इतना है बीवी का देखूं बच्चों का देखूं इसका देखूं किसका देखूं क्या करूं मैं मेरा देखने के लिए वक्त नहीं मेरे पास कई लोगों का ऐसा है इनका होमवर्क उसका शॉपिंग और मेरे दवाएं और इसका ये और उसका वो रिश्तेदार अलग हैं आता ही नहीं तू तो कभी मिलने के लिए भूल ही गया हमको इतना लोड मेरे ऊपर है कि मैं क्या क्या, क्या करूं माँ बाप से लेके बी बच्चे से लेके दोस्त अहबाब से लेकर नहीं कर पा रहा मैं कंपनी का काम जॉब दुकान ये वो बिजनेस नहीं हो पा रहा मेरे से अक्सर औकात ये भी पायलप होता रहता है और आदमी नहीं कर पाता है क्या करना चाहिए उसके लिए नंबर एक रिमूव द क्लटर अपनी जिंदगी में से कचरा साफ कीजिए सबसे पहले क्या है आपके पास बादशाह हो या फकीर कितने घंटे हैं बादशाह हो या फकीर उसके पास कितने घंटे हैं चौबीस अब आप अपना वक्त सही इस्तेमाल करते या नहीं करते आपकी मर्जी से करते ना आदमी क्या बोलता वक्त ही नहीं है कहां है वक्त जेब में वक्त कहा है आप आपका वक्त हो आप अपना वक्त कैसा खर्च कर रहे उस पर है वक्त सबके पास होता है लोगों की प्रायोरिटीज अलग होती है वक्त नहीं, नहीं है जिस चीज के लिए वक्त नहीं हो आपकी प्रायोरिटी नहीं है आप एक काम कर रहे हैं ना ये अगर प्रायोरिटी होती तो वो करते आप ये नहीं करते नमाज के लिए वक्त ही नहीं।, नहीं ठीक है नमाज आपके लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं जितना आपके लिए क्रिकेट का मैच है पेशाब पकाना आए तो आप वक्त नहीं बोलते जा रहा नहीं मैं आजकल बोलता बॉस को क्या बोलेंगे मैं जा रहा हूं बोले काम बहुत ज्यादा है इधर उधर जाओ मैं तो जा रहा हूं जॉब से निकालना है, निकालो मैं जा रहा हूं पेशाब पाखाना इतना इंपॉर्टेंट उसकी प्रायोरिटीज अलग होती हैं इंसान की अपनी जिंदगी में से फजूलियात आप निकालिए मोबाइल फोन पे तकरीबन पांच घंटे आपके लगते हैं डेली इंटरनेशनल नंबर है उसके अलावा और कितनी गपशप फालतू की गपशप इधर उधर की उसमें आपका वक्त कितना जाता है आप अपनी जिंदगी से अगर फजूल काम निकाल दोगे ऑफिस में घर में चौराहे पर आप जॉब से आने के बाद ईशा की नमाज वमाज पढ़ के खाना ना खा के पान खा के चौक में चार घंटे तक वहां दो बजे तक बैठे रहते हैं कैसे मिलेगी फजर की नमाज कैसे मिलेंगे बीव बच्चों के हालात जानने के लिए वक्त आपके पास कहां से आएगा नहीं मिलता वक्त आदमी को तो अपनी जिंदगी से फजूल चीजें निकाल दे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मिन खुस् इस्लामिल तर्क हो मालायानी आदमी के इस्लाम की खूबी है कि वो ऐसी चीजों को छोड़ दे जो उसके मकसद से जुड़ी हुई ना हो ला यानी ही जो उसका मकसूद ना हो अपनी जिंदगी में से आप ऐसी चीजें निकाल दीजिए सिर्फ वही चीजें आपकी जिंदगी में होना चाहिए जो आपके मकसद से जुड़ी हुई हो आपके लिए पान वाले के साथ खड़े हो के दुनिया भर के एनआरसी एनआरसी वही रोज नया कुछ भी नहीं फला जगह ऐसा हुआ फुला और आपका बच्चा सिगरेट पी रहा आपकी बेटी व्हाट्सएप पे गैर महरम से चैट कर रही आपके पास उसके लिए टाइम नहीं है ना आप उसमें कोई हल कर पा रहे ना आपके हाथ में कुछ है आप उसमें फजूल वक्त लगा रहे बेटे के साथ बेटे के साथ बैठ के उनके दुख दर्द सुने बेटा स्कूल में क्या चल रहा तुम्हारा क्या हो रहा बच्चा बड़ा हो रहा बच्ची बड़ी हो रही उनको दीन सिखा रहे हैं अतियात सिखाया तोहहीद सिखाई कहा टाइम ही नहीं मिलता बाकी सारी खुराफात के लिए टाइम है आपके पास बीवी के लिए टाइम नहीं आपके पास उसको दवा खाने ले जाने के लिए उसके साथ बैठ के उसके दिल की बातें पूछने के लिए वो क्या चल रहा है तुम्हारा आदमी के पास जरूरी चीजों के लिए वक्त क्यों नहीं है गैर जरूरी चीजों में वक्त लगा रहा है फिर टेंशन आएगा छोटे छोटे मसायल बड़े कब बनते हैं जब हम उनको इग्नोर करते रहते हैं और फजूलियात में वक्त लगाते हैं वो इतने बड़े बन जाते हैं कि हल करना मुश्किल हो जाता है और इतने साथ एक साथ प्रॉब्लम आ जाते हैं वो बड़े प्रॉब्लम बन जाते हैं वो इमरजेंसी कब बनते हैं जब आप वक्त पे उसको सॉल्व नहीं करते हैं। वक्त निकालिए अपने अपनी आकरत के लिए अपने घर वालों के लिए वक्त निकालिए वक्त निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा फालतू चीजें छोड़िए बेहुदा चीजें छोड़िए गैर जरूरी चीजें छोड़िए